हेलो दोस्तों, मैं दिनेश पाटिल। देखते कि फ्राइडे को जो हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग हमें आज कोई ट्रेड मिला था कि नहीं मिला था। अगर मिला है तो क्या हुआ, और वापिस जस्ट लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो आज मैं वापिस आपको बताऊंगा कि आज बैठ के कल मंगलवार को मार्केट में क्या काम करना है, कौन से रेंज में ट्रेड करना है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे को जो मैंने वीडियो दिया था तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप देख सकते हो कि मैंने फ्राइडे को इवनिंग को ही वो कैलकुलेशन करके आपको भेजा था कि ये रेंज में खरीदना है, ये टॉप लॉस जब तक ब्रेक नहीं होता है। लेकिन मार्केट जब आज ओपन हुआ, यहां से मार्केट ये रेंज में ही खुलना चाहिए था, लेकिन सीधा बड़ा गैप डाउन हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी में अच्छे से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट ने पहले 15 मिनट में ही सीधा नीचे ओपन हो गया और लगभग 727 का हमारा कुछ रेंज था और उसी को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। आप अगर लाइव मार्केट में भी देखेंगे तो इसका मतलब क्या था कि हमारा ये रेंज में अभी आज ट्रेड करने में कुछ मतलब नहीं था। यहाँ पे ये रेंज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इनवैलिड हो चुका था, तो इसलिए आज मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन किया हुआ है। फ्राइडे का जो मार्केट ने लो बनाया और जो हाई बनाया था उसी के बीच में मार्केट हो गया है, क्योंकि जब ये ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पे भी नया बाइंग नहीं आया मार्केट में। ये मार्केट को हम इस हिसाब से स्टडी करेंगे कि कब मार्केट में काम करना है, कब नहीं करना है, ये हमें समझ में आना चाहिए। जैसे ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आने वाला था वो वीक हो गया, उसमें ट्रेड आया ही नहीं, लोगों ने बाय किया ही नहीं। मार्केट अभी इस कंसोलिडेशन में था, क्योंकि मार्केट में ना बाय का टेन ट्रेंड क्लियर था ना डाउन का क्लियर था, इसलिए मार्केट में देखो कंसोलिडेशन कंटिन्यूस हुआ है। ठीक है, तो आज इस हिसाब से ये सपोज दैट कोई अज्यूम कर दे कि कोई यहाँ पे बाय भी करता है तो ये टॉप लॉस जाएगा उसका, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मार्केट ओपनिंग में ही नीचे आ गया, अपने रेंज के नीचे आ गया, अपना टॉप लॉस के नीचे आया, तो हमें वो ट्रेड करना नहीं था। आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। कभी कभी ट्रेड ना मिलना या तो ट्रेड ना करना भी अच्छा रहता है, पैसा बच जाता है अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज मंडे के लिए। अभी हम बात करेंगे आज बैठे मंडे के बाद, आज रात शाम को हम बैठे हैं, मंडे का क्लोजिंग आ चुका है, और ट्यूजडे के लिए मार्केट में एनालिसिस क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, वो जो मैंने लेवल निकाल के रखा हुआ है आप देखेंगे क्या करना है। तो आज का मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, देखते हैं 11 तारीख को 3:15 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। अभी कल के लिए रेंज देखो, ये कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में। यहाँ पे कोई मार्केट आज में भी सपोज 100 125 पॉइंट नीचे भी आया था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड नहीं था। यहाँ पे जो ये मार्केट में बाइंग आया हुआ है उसके लिए ये मार्केट यहाँ पे सिर्फ पुल बैक कर रहा है। अभी तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं आया हुआ है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नहीं आया हुआ है, सिर्फ पुल बैक हो रहा है, इसलिए कंसोलिडेशन है। अगर मार्केट का ये जो नीचे आ रहा है ये पुल बैक के जगह पे मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू करना है तो मार्केट को 615 के नीचे जाना पड़ेगा। मतलब अभी कल के देखो, अगर मार्केट 17,615 के नीचे जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड शुरू होगा, तब तक डाउन ट्रेंड आने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर कल हमें मार्केट ये बाइंग रेंज में मिलता है अभी 686 से लेके 17,339 से ये बीच में मिलता है तो हमें बाइंग करना है, और फिर हमारे ये दोनों टारगेट रहेंगे 17,880 और 17,945। ये तो दोनों टारगेट हमारे रहेंगे मार्केट में। तो ये नया रेंज है कल के लिए हमें कि ये रेंज में बाय करो, ये टॉप लॉस लगाएंगे और ये मार्केट में हमारे दो टारगेट रहेंगे, ये कंसोलिडेशन मार्केट में खत्म हो जाएगा फिर वहां पे। ओके, तो इस हिसाब से परफेक्ट मार्केट में एनालिसिस करके कब मार्केट में ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कब मार्केट में मूवमेंट आने वाला, ये सब कुछ अगर हमें पता करना है तो आपको ये कंटिन्यूअसली मैं जो भी डे टू डे रोज आपको अपडेट करता हूँ वो वीडियो आपको देखते रहना है। और ये वीडियो आपको जैसे मैं अपडेट करता हूँ तो अपना चैनल सब्सक्राइब करो, मतलब आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।